के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मैं हूं अनुप कुमार धामने और आप देख रहे हैं कार्यक्रम युवा समय दोस्तों जैसा कि कहा गया है जिधर जवानी चलती है उधर रवानी चलती है तो इसी थीम के साथ इस युवा समय को आज लेकर मैं आपके बीच आया हूं अपने साथियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम देशभक्ति राष्ट्र जन जंगल जमीन और तमाम इस तरह की चीजों की कविताएं इन विषयों की कविताएं सुनेंगे अपने युवा मित्रों के साथ तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में विदिशा से आए हुए सुमित सिंह को सुमित सिंह विदिशा से चलकर हमारे बीच में आते हैं और आजकल राष्ट्र आराधना के स्वर पूरे देश में गुंजायमान कर रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजाकर सुमित सिंह का स्वागत करें सिंह विदिशा बलिदान पूज्य होते हैं स्वाभिमान सुशोभित होता है शीश नहीं झुकने पर हिंदुस्तान सुशोभित होता आ, आ, है शीश नहीं झुकने पर हिंदुस्तान सुशोभित होता है मैं नमस्कार करता हूं प्रणाम करता हूं आज हम सभी दूरदर्शन के युवा समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं यह समय युवाओं का है और ये देश युवाओं के बलिदान पे युवाओं के कुर्बानियों पे उनके पुरुषार्थ पे उनके जज्बे पे उनके शौर्य पे खड़ा है मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी कविता रखता हूं ये देश के जवानों को प्रणाम करता हूं सबसे पहले कि ये देश किन के दम पे खड़ा है किसी ने पूछा कि क्या है वीरता की परिभाषा तो एक छंद रखता आप सभी के सामने स्वागत के करता स्वागत, स्वागत। की यह दीप पहचान ना हो चाहते विद्वान आप पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए युद्ध में हैं चाहते यदि आप लड़ना तो हाँ। रण में विजय का विधान देख लीजिए जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकटों में हाँ। राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए वीरता को जानना ही आ, वीरता को जानना ही आ, चाहते हैं यदि आप वर्दियों में देश के जवान आ, देख लीजिए वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप बढ़िया वर्दी में देश के जवान देख लीजिए ली और जवान बनता कौन है हुँ। हमारे पास जीवन में कई सारे विकल्प होते हैं बनने के लेकिन वो कौन सा रस है तब मैं रखना चाहता हूं कि जब कभी लगी जाए यदि रंग कृष्ण का तो हुँ कोई यहाँ मेरा रस खान बन जाता है आहा, कि जब कभी यदि लग जाए रंग कृष्ण का तो कोई यहाँ मेरा रस खान बन जाता है हुँ, राम जी का रंग लग जाए यदि रोम रोम तो हुँ? कोई यहाँ तुलसी महान बन जाता है मित्रता पवित्रता के रंग में रंगे यदि तो कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है लग जाए जब कभी यदि रंग देश का तो कोई यहां देश का जवान बन जाता है कोई तो यहां देश का जवान बन जाता है और हमारा देश हमारा हिंदुस्तान किन पे खड़ा है Hmm. कितनी भी आई कितनी सारी हैं आए, लेकिन hmm. इस देश का मस्तक कभी नहीं झुका उसकी सबसे बड़ा उसका ये कारण रहा कि हमारी सभ्यताएं हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि कोई इसको डगमगा नहीं सका ऐसे ही जब मैं हम रामचरित मानस पढ़ते हैं तो भगवान ने जब माता शबरी के जूठे बेरों को चुना तो उसमें कौन सी भावना रही होगी तब एक छंद रखना चाहता हूं कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही, hmm. ही है नीचता सदैव द्रोह बैर चुन लेती है कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है नीचता सदैव द्रोह बैर चुन लेती है चुनती गरीबी है सदैव श्रम साधनों को अमीरी सदैव मौज सैर चुन लेती है aha. अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली ऊर्जा सदैव नहीं सवेर चुन लेती है जीभ चुनती है राज महलों के भोजन तो प्रीत शबरी के जुटे आहे। आहे। चुन लेती है राज महलों के भोजन तो प्रीत शबरी के झूठे पैर चुन लेती है और एक और विडंबना इस देश में एक और कृति कह सकते हैं इस देश में घर कर रही है कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं इस देश में मैं बताना चाहता हूं कि एक छंद रखना चाहता हूं कि हम कितने भी समृद्ध हो जाएं लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर जाते हैं तो हमारे लिए विनाश का कारण होता है तब एक रखना चाहता हूं कि घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में हाँ। घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में आ। बलिदानों के फूल खिले हैं भारत, हैं भारत की फुलवारी में इसीलिए गुणगान कर इसीलिए गुणगान करेंगे हम भगत सिंह की टोली का इसीलिए गुणगान करेंगे भगत सिंह की टोली का इसीलिए गुणगान करेंगे उससे खर की गोली का इसीलिए गुणगान करेंगे उससे खर की गोली का हम गुणगान करेंगे मिलकर खूं से लिखी कहानी का हम गुणगान करेंगे मिलकर खूं से लिखी कहानी का हम गुण गान करेंगे मिलकर झांसी वाली रानी का, का हम गुणगान करेंगे मिलकर झांसी वाली रानी, रानी का हम गुणगान करेंगे मिलकर चेतक वाली टापों का हम गुणगान करेंगे मिलकर चेतक वाली टापों टा का हम गुण गान करेंगे मिलके राणा के प्रतापों का हम गुण गान करेंगे मिलकर अपने वीर शिवाजी का हम गुणगान करेंगे मिलकर जीती हुई हर बाजी, बाजी का।, का हम गुणगान करेंगे मिलकर जीती, जीती हुई हर बाजी का, का। गद्दारों की जगह नहीं है गद्दारों की जगह नहीं है सुन लो सच्ची यारी में बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में, में। अमर तिरंगा लहराता है कश्मीर की चोटी पर रखना चाहता हूं कि अमर तिरंगा लहराता है कश्मीर की चोटी पर राणा को रहना पड़ता था कभी घास की रोटी पर हाँ। राणा को रहना पड़ता था कभी घास की रो रोटी पर, पर कभी कभी आंखों का नूर दान कर देती है कभी कभी माए आंखों का नूर दान कर, कर, दे कर देती है बहने अपनी राखी तो पत्नी सिंदूर दान कर देती है बहने अपनी राखी तो पत्नी सिंदूर दान कर देती हैं बलिदान पूज होते हैं स्वाभिमान सुशोभित होता है शीश नहीं झुकने पर हिंदुस्तान सुशोभित होता, होता है अमर जवानी के जौहर की गान सुनाता हूँ सुन लो मैं ऐसे वीरों का हिंदुस्तान सुनाता हूँ सुन लो मैं ऐसे वीरों का हिंदुस्तान सुनाता हूं सुन लो जीवन इनका बीत गया है बर्ची और कटारी में बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में घर से निकलो कुछ ना होगा घर की चार दीवारी में बलिदानों के फूल खिले हैं भारत की फुलवारी में बहुत बहुत धन्यवाद <स्थाँगा> बलिदानों के फूल खिले हैं अब भारत की फुलवारी में निश्चित ही जैसा हमने कहा था कि राष्ट्र की आराधना के स्वर आपको इस कार्यक्रम के सबसे पहले सुनाई देंगे और सुमित ने बखूबी इस दायित्व को निभाया अगले क्रम में जिन्हें हम सुनना चाहेंगे उनका नाम होता है पुरु शर्मा अशोकनगर से हमारे बीच में है अपनी भावनाओं के माध्यम से शब्दों को पिरोकर कविता किस प्रकार बनाई जाती है यदि हमें सुनना है तो पुरु हमारे बीच में है जोरदार तालियों से स्वागत करें पुरु शर्मा आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा प्रणाम हमको पता है कि नदियाँ हमारी संस्कृति की हमारी संस्कृति की हमारी संस्कारों की भाईका हैं नदियों ने हमारे समाज को हमारे संस्कारों को हमारे विचारों को सदैव से पल्लवित और पुष्पित और समृद्ध किया है तो मेरी कविता नदी पर है पहली कविता आपके बीच रखूंगा आज पहले जिस समय हमारी नदियाँ कीर्ति कौमुदी के जिस अमृत नील से अभि रहती थी उसमें आज लाचारजी की लहरें उठ रही हैं तो कविता आपके लिए आपके समक्ष स्वागत भाई पास कोई शहर है पास कोई शहर है जो आहिस्था आहिस्ता निगल रहा है नदी को हाँ। पास कोई शहर है जो आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा है नदी को गहन उदासी की कतरन समेटे गहन उदासी की कतरन समेटे अपने जिस्म पर लूट के जख्म लिए दर्द में रेंग रही है नदी हाँ। उसकी चाल में क्लांत सूनापन अजीब सी अकुल्लाहट और संतरास से भरा ठहराव निस्तेज निस्ते में ना उम्मीदी की निशानियां किनारों पर बिछी है अपरिचित शांति की मोटी परत। आ। आ। किनारों पर बिछी है अपरिचित शांति की मोटी परत मानो सारी आवाजों को पिघलाकर ढाल दिया हो मौन में सुनसान घाट पर गूंजती है है। उज है हैं उज्जड़पन की चीखें सुनसान घाट पर गूंजती हैं उज्जड़पन की चीखें पीड़ा के प्रबंजन में ढहरा है नदियों का सुंदर। हाँ। wow. पीड़ा wow. के प्रबंधन में ढहरा है नदियों का सुंदर। आसमांस wow. आसमां से ओस में लिपटी अभी सप्त है इस संघार को देखने के लिए wow. क्योंकि हम सब बन गए हैं अपनी ही नदियों का कत्ल करने वाली पीढ़ी क्योंकि wow. हम सब बन गए हैं अपनी ही नदियों का कत्ल करने वाली पीढ़ी बहुत बढ़िया आज के समय में हम कितनी ऊंची इमारतें खड़ी कर लें कितने ही विकास के प्रतिमान कर लें, यदि अपनी नदियों को नहीं संभालेंगे, तो निश्चित ही हम नदी के किनारे रहने वाली सभ्यता से नाले के किनारे रहने वाली सभ्यता सभ्यता वा, में वा, बदल वा, जाएंगे वा, 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 वा। तो मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे कलमकार साथी भी कलम के साथ कुदाल भी उठा लें और अपनी नदियों को बचा लें आपकी अगली कविता रखता हूं स्वागत है भाई जिन पत्रों में लिखे जाने थे hmm. जिन पत्रों में लिखे जाने थे दुनिया भर के दुख उनमें लिखा गया प्रेम में डूबा झूठा अच्छा जिन पत्रों में लिखे, लिखे जाने, जाने थे दुनिया भर के झूठ दुनिया भर के दुख उनमें लिखा गया प्रेम में डूबा झूठ उदासी को तह करके उदासी को तह करके दर्द में लिपटे लिफाफों में दर्ज होनी थी बेबसी की दास्ता ने उनमें लिखी गई बेफिक्री की कहानियां हाँ, 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 उदासी को तह करके दर्द में लिफाफों में दर्ज होने थी बेबसी की दास्तानें हाँ, उनमें लिखी गई बेफिक्री की कहानियां कहानिया। अतीत की दहलीज पर अतीत की दहलीज पर अंकित किया जाना था क्लांत सुने पन में डहते खंडरों को अतीत की दहलीज पर अंकित किया जाना था क्लांत सुने पन में ढहते खंडरों, खंडरों को, को? उनके द्वार पर उकेरी गई महकती आवाजों की झाल रहे उनके द्वार पर उकेरी गई महकती आवाजों की झाल रहे पीड़ा के प्रभंजन में गाया गया सौंदर्य गीत हर विप्लब को लिखा गया उत्सव हर त्रासदी को त्योहार हर विप्लब को लिखा गया उत्सव हर त्रासदी को त्योहार और आखिरी की पंक्तियां रखता हूं हर विप्लव को लिखा गया उस सब हर त्रासदी को तोहार। इस दुनिया को सबसे अधिक लिखने वालों ने ही छला है इस दुनिया को सबसे अधिक लिखने वाँ। वालों ने ही छला है ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि आपके घर में बहन माँ पत्नी किसी भी रूप में यदि स्त्री ना हो तो आपका घर निर्जन वन के समान है और आपको ये घर छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए और खुशकिस्मती से आज हमारे मंच पर भी एक मातृशक्ति उपस्थित है अंजू अहिरवार इनका नाम होता है मंडीदीप से चलकर हमारे बीच में आती है इन चार पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि अंधेरी जिंदगी में वो शमासी हो जाती है अंधेरी जिंदगी में वो शमासी हो जाती है बचाने मुझे गमों से आसमासी हो जाती है तकलीफें घबराती है मुझे लिपटने छूने में तकलीफें घबराती है मुझे लिपटने छूने में तकलीफों में मेरी बहन मासी हो जाती है बहन अंजू अहिवार को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप यहां पर पढ़ा धन्यवाद भैया शुरुआत करना चाहूंगी एक छोटी सी प्रार्थना से स्वागत रूप माँ पद्माक्षी विकराल ओज को नमन करूं सरगम का वर देने वाली माँ वीणा धारिणी नमन करूं महा विद्या रूप माँ पद्माक्षी विकराल ओज को नमन करूं सरगम कावर देने वाली माँ वीणा धारिणी नमन, नमन करूं।, करूं मन अंधकार सब छट जाए हर बुद्धि प्रकाशित हो पाए दया करो माँ हंस वाहिनी दया करो माँ हंस वाहिनी तन मन तत्पर ये लगा रहे तरुणों में ज्ञान तुम भर दो माँ चारों कोने खुशहाल रहे चारों को अच्छा खुशहाल बार, बार, बहुत अच्छा अंजू और इसी के साथ मैं चार पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि वीर रस की प्रधानता मेरी लेखनी में अत्यधिक है तो मैं चार पंक्तियां उन शहीदों के लिए लिखना चाहूंगी जिनसे जिन हम हैं हमारा भारत है स्वागत ये भूमि है भारत की ये भूमि है भारत की जिसकी रजरज में आशीष समाया है नमन करें उन सबको हम प्राणों से पहले जिसने वतन बचाया है अल्पायु में वो झूले फांसी उनसा कोई चंद नहीं है और मैं वर्णन पूरा कर पाऊं निर्मित अब तक कोई छंद नहीं है निर्मित अब तक कोई छंद अच्छा नहीं, नहीं है और वैसे तो हम कई बार ऐसे सुनते हैं कि शहीद हो गए कुछ लोग सरहदों पर शहीद होते हैं आज मैं अपने एक छोटे से गीत के द्वारा एक छोटी सी कल्पना के द्वारा आप सभी को अपनी अपने साथ एक सैर पर लेकर चलना चाहती हूँ कि जब एक शहीद हुए जवान का वो शव घर पर पहुँचने वाला है जब इस चीज़ की सूचना मिल जाती है और जब वो शव पहुँच चुका होता है तब क्या पीड़ा होती है एक माँ की एक बहन की एक पिताजी की एक पत्नी की क्या पीड़ा होती है तो आज एक छोटे से अपने काव्य पाठ के साथ आप सभी को उस यात्रा पर लेकर चलना चाहती है स्वागत अंजू स्वागत एक पत्नी को जब यह खबर मिल जाती है कि उसके पति का शव आ रहा है उस समय उसकी वेदना को समझिएगा उतारू मेरी चूड़िया वो मृत शैया पे आएंगे बढ़िया उतारों मेरी चूड़िया वो मृत शैया पे आएंगे ये माथे पर सजी बिंदिया ये गह अब एक बहन जब अपने भाई का शव देखती है तो उसकी वेदना को सुनिएगा नहीं वो हाथ है जिसमें नहीं वो हाथ है जिस, हाथ है जिस, जिस पर में। कवच में प्यार बांधा था हाँ। हमेशा साथ हूँ बहना तुम्हारा ऐसा वादा था हमेशा साथ हूँ बहना तुम्हारा ऐसा वादा था अब उठ भी क्यों सताते हो उठ भी जाओ ना भैया मुझे तुम क्यों सताते हो मुझे तुम क्यों सताते हो ना रोने देते थे भाँ। भाँ। ना रोने देते थे मुझको और अब खुद ही रो अब एक माँ की वेदना को मैं यहाँ गाना चाहूंगी अवस्था देख बेटे की अवस्था देख बेटे की वो माना होश पाती है वो देती थी दुआ सिर पे, वो सिर ना धड़ पे पाती है और हालत देख जननी की ये भारत माँ भी रोती है जननी की ये भारत माँ भी रोती है ये भारत माँ भी रोती वाँ। है कई माओ की संता न्यछावरस पे होती हैं कई माओ की संतान न्यौछावर इस पे होती है।, है और सभी के बीच में चुपचाप खड़े हैं जो पिताजी कि वर्दी पाई थी जिस दिन वो खुशियां याद आती हैं वर्दी पाई थी जिस दिन वो खुशियां याद, याद, आती हैं झूमे थे पिता के संग वो झलके आंखों में आती हैं पिता की शान है तुमसे मगर अब मौन है जो दुख उसे जुबा ये मेरी गाना पाती है उसे जुबा ये मेरी गाना पाती है जैसा की मैंने कहा था की अपने एक अलग कलेवर से सभी को जोड़ने का काम करेगी अंजू और निश्चित ही एक बहुत बड़ी सीख बहुत बड़ी राय उसके काव्य पाठ में हमें नजर आती है कि किस प्रकार लोगों को अपना आचरण रखना चाहिए जिससे सड़क पर चलती हुई बच्चिया खुद को सुरक्षित महसूस कर सके आइए अगले क्रम में जिन्हें हम बुलाना चाहते हैं वे ललितपुर से चलकर हमारे बीच में आते हैं पूरे देश में राष्ट्र आराधन की बात करने वाले वीरों में संचार करने वाले उनकी रग रग में खून को बहुत तेजी से दौड़ाने वाला नाम होता है पंकज पंडित ललितपुर से चलकर हमारे बीच में आते हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई पंकज पंडित का दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम आइए ये, ये युवा समय निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है या कहूं कि हिंदुस्तान की धुरी केवल दो लोग होते हैं एक तो सरहद पर खड़ा हुआ जवान हुँ? और दूसरा खेत में खड़ा हुआ किसान। किसान क्या बात है मैं यहीं से पंक्तियां प्रारंभ करना चाहता हूं भारती माता के आंसू पोछने को हा? भारती माता के आंसू पोछने को शत्रु की सेना समूची रोकने को हाँ। जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी आंख से बाहर कभी आया ना पानी होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा हाँ। पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा हाँ। मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे सामने यमदूत के डटकर खड़े थे आंख में सपने नहीं शोले धड़कते हाँ। दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे लाख से लड़ने अकेले ही गए थे हाँ। वीरता के बीज लाखों बो गए हैं हाँ। भारती की गोद में जो सो गए, गए हैं है। पूजता जिनको समूचा ये वतन है हाँ। उन शहीदों को मेरा शत शत नमन बहुत बढ़िया शत शत नमन है और क्या है हमारा हिंदुस्तान लेकिन मेरा मानना है मैं कहता हूं कि मुझे स्त्रियां श्रृंगार नहीं संघर्ष करती हुई अच्छी लगती मैं निवेदन करता हूं कोई देखता है काले धन का महल पर बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम आहा, आहा। कोई देखता है काले धन का महल पर बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम सिया राम सारे जग का पवित्र भाव हाँ? जिसमें हमेशा वो चौपाई देख देखते, देखते हैं हम, हम? तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई हृदय हाँ? देखते हैं हम हाँ? और कोई सपनों में देखा करता है मैनिकाए सपनों में रानी लक्ष्मी बाई कोई सपनों में देखा करता है मैनिका बहुत बड़ी सपनों में रानी लक्ष्मी बाई देखते हैं हम तो आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की हा? चाप लूसी चाटो कार्य ताके शब्द शब्द लिए चार की ऐसी किस काम दंगी? की तो देश भक्ति सदाचार ताके जिस में ना काम हा? अरे तुम ही बताओ वो कहानी किस काम दंगी? की और क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करे हा? अरे ऐसी सुप्त सोई नौ जवानी धन्यवाद की की। तो नए समय के नए दीवाने सुन ले हाँ। पानी आंखों में नहीं आग भरता है हाँ। छप्पर की पहरेदारी करते हैं जो महिलाओं का सदा त्याग करता है हाँ। तो धड़ लड़ता है शीश भले कट जाए दुश्मन से संवाद नहीं करता है जिसकी गर्दन तलवार झुका देती है इतिहास हमेशा उसे याद करता है तो झूम रहे हैं पीकर जो वर्षों से वह गीतों पर झूम नहीं सकते हैं। लेला के गाल चूमने वाले मजनू फांसी का फंदा चूम, चूम नहीं, नहीं सकते, सकते हैं। वाह माटी हाथों में लेकर के देखो माटी हाथों में लेकर के देखो कड़कड़ पर इसके बलिदान लिखा है हाँ। भारत के जो बने नीव के पत्थर उन पर जवान जय जय किसान लिखा, लिखा है, है यदि यह परंपरा जीवित रखनी है हाँ। तो महल त्याग फिर रणभूमि में आओ बहरों के बीच करो विस्फोट धमाके हाँ। वंदे मातरम इंकलाब को गाओ अरे फरसा भाला बरछी तीर कटारी दंगी तलवार धार चढ़ाओ हाँ। विद्रोह गर्जना क्रांति घोष के घोषक गोसक। पंच हाँ। का नाद करो ललकारो, ललकारो। अरे लहू गर्म है ओड बसंती चोला लहरा हाँ। दो अंबर में विजय पताका हाँ। उठो बजाओ अब रण में रण भेरी दागो तोप करो विस्फोट धमाका जीवन और मरण दोनों निश्चित हैं तुम्हें समर में अभिमन्यु होना है हाँ। अच्छा। भाई पंकज ने एक उत्साह का संचार कर दिया यहाँ पर अगले में जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम होता है सुभाष जाटव मंडीदीप भोपाल से हमारे बीच में आते हैं इन चार पंक्तियों के साथ की हिम्मत और हौसलों की ढाल लाऊंगा सबके घर रोशन हो ऐसी मशाल लाऊंगा हालात माकूल नहीं है पर यकीन है मुझे मैं तूफान से भी कश्ती निकाल कर लाऊंगा भाई सुभाष जाटव बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रणाम करता हूँ और बिना भूमिका के अपना गीत प्रस्तुत करता हूँ स्वागत भाई हमने जीवन मरण चुना है हम अमृत नहीं मांगेंगे हाँ हमने जीवन मरण चुना है हम अमृत्व नहीं, नहीं मांगेंगे बंद है सब अवनतियां खोज रहे हैं hmm? मूल्य सभी रख कर ताकों पर hmm? अधम आचरण पूजे जाते कुत्सितता है सर आंखों पर hmm? ऐसे में कर्तव्य हमारा ऐसे hmm? में कर्तव्य हमारा हम पोसेंगे मानवता को हम देवत्व नहीं मांगेंगे हम अमृत्व नहीं, नहीं मांगेंगे दुख में भी सुख हाँ। हाँ। ढूंढ लिया है जग में विचरण करते करते दुख में भी सुख ढूंढ लिया है जग में विचरण करते करते अंधेरे को मीत बनाकर आ पहुंचे हैं डरते डरते हाँ। लेकिन जब पीपल समीप है लेकिन जब पीपल समीप है इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं हम अब आनंद भटकने में है हम बुद्धत्व नहीं मांगेंगे अच्छा अगला एक गीत प्रस्तुत करता हूँ बन के आचक आ गए हैं द्वार पर हम आहा, आहा। बन के जोगी आ गए हैं द्वार पर हम हमको दुतकारोगे या झोली भरोगे बन के आचक आ, आ गए, गए हैं द्वार पर हम, हम। हम को दूत करोगे आजोली भरोगे अच्छा आपकी अंतिम झलक पर एक विरह का हाँ। आपकी अंतिम झलक पर एक, एक विरह का घाव जो पाया था वो अब तक हरा है वाह आपको किंचित पता ना हो के हमने हाँ। आपको किंचित पता, पता न हो के, के हमने एक अधूरी पीर से जीवन भरा है एक अधूरी पीर से जीवन भरा रहते हैं गर जीवन सोचते रहते हैं गर जीवन दुराहे है सोचते रहते हैं गर जीवन दुराहे है फिर से अपनी भेंट हो तो क्या करोगे वाह बन के आचक आ गए हैं द्वार पर हम हम खुद उत्तकारोगे या झोली भरोगे अगला बंद है अनुष्ठानों में रत लंबे समय से है अनुष्ठानों में रत लंबे समय से पीर का कोई भी प्रस्तावक नहीं है आहा, 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 बा, 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 भाव हैं है उद्विग्न यह आकार लेंगे भाव हैं उद्विण्य उद्विण्य है उद्विग्न यह आकार लेंगे किंतु अपना कोई अनुभावक नहीं है इस अभी को लिए बैठा शिलामन मन इस अभीपसा को लिए बैठा शिला मन तुम छुओगे और सारे दुख हरोगे आ गए हैं द्वार पर, पर हम हमको दुत्कारोगे या झोली भरोगे।, भरोगे। किसी को अगर विवाह का प्रस्ताव किसी को देना हो हाँ। तो अगली पंक्तियां याद हाँ, स्वागत है। काल क्रम बीते तुम्हारा नाम लेते hmm. काल क्रम बीते तुम्हारा नाम, नाम लेते।, लेते तुम बड़ी देरी से बनकर आस आए hmm. एक तुम्हारे नेह की वर्षा हुई तो hmm. एक तुम्हारे नेह की वर्षा हुई तो मंडपित होने सभी ग्रह पास आए जब घड़ी आए ओ पानी ग्रहण की जब घड़ी आए अहो पानी ग्रहण की, जब जब आए। आए पानी पानी की। क्या तुम अपने हाथ मेरे कर है बन के आचक आ गए हैं द्वार पर हम हम को दुकारे या झोली भरोगे एक गीत और स्वागत भैया बहुत स्वागत बहुत छोटा सा गीत है आधा जीवन स्वप्न तुम्हारे आधा जीवन या तुम्हारी या। है है। आधा जीवन स्वप्न तुम्हारे।, तुम्हारे आधा, आधा जीवन, जीवन याद तुम्हारी दो पल का यह मिलन हमारा दो पल का यह मिलन हमारा एक अनूठी प्रीत लिखेगा हाँ। आधा जीवन स्वप्न तुम्हारे आधा जीवन याद तुम्हारी है जीवन भर की प्रीत निभाने एक ही वचन बहुत होता है हाँ। नैनों वाली भाषा में तो कम व्याकरण बहुत होता हाँ। है, है। जीवन भर की प्रीत निभाने एक ही वचन बहुत होता है नये नो वाली भाषा में तो कम व्याकरण बहुत होता है एक विरह का सुर ही अपने एक विरह का सुर ही अपने जीवन में संगीत लिखेगा हाँ। आधा जीवन स्वप्न तुम्हारे आधा जीवन याद तुम्हारी अंतिम बंद चार आँखों से एक ही सपना कम देखा पर देखा तो है hmm. Hmm. दोनों हाथ में एक प्रेम की है महीन पर रेखा तो है hmm. चार आँखों से एक ही सपना कम देखा पर देखा तो, तो है दोनों हाथ में एक प्रेम की है महीन पर रेखा तो हाँ। सकारात्मक रहना अपने सकारात्मक रहना, रहना अपने, अपने। हरे मन की जीत लिखेगा आधा जीवन स्वप्न तुम्हारे आधा जीवन याद तुम्हारी बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद आधा जीवन स्वप्न तुम्हारा आधा जीवन याद तुम्हारी जैसा कि हमने कहा था कि भावनाओं से ओत प्रोत कर देने वाला गीतकार होता है भाई सुभाष जाटव इसके बाद जिन्हें हम बुलाना चाहते हैं उनका नाम होता है नितेश व्यास रायसेन से हमारे बीच में आते हैं इन चार पंक्तियों के साथ इस ऊर्जावान कवि को मैं आमंत्रित करता हूं कि साज नहीं छेड़ा जो संगीत नहीं पाओगे तुम साज नहीं छेड़ा जोगर, संगीत नहीं पाओगे तुम दिल से करना चाहा सच्ची प्रीत नहीं पाओगे तुम, तुमको उसे जगाना होगा बात तभी बन पाएगी, तुमको उसे जगाना होगा बात तभी बन पाएगी सूरज तुम्हें जगाता हो तो जीत नहीं पाओगे तुम भाई नितेश व्यास रायसेन से दूरदर्शन के सभी दर्शकों को और युवा साथियों को मेरा सादर नमस्कार इन पंक्तियों के साथ कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, होता होता है हाँ। जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है जहां अध्यात्म होता है जहां विज्ञान होता है वाह अनेकों मत सभी के हैं, हाँ अनेकों मत सभी के हैं सभी मिल कर के रहते हैं मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता वाँ, है।, है मुझे भारत की भूमि वा, भा, पर बहुत अभिमान होता है क्या बात है भजन आरती और शंखों की नाद ना होते युवा साथी सुने कि भजन आरती और शंखों के नाद ना होते जिंदगी तो होती मगर जिंदाबाद ना होते अभी सब चीख कर खुद को यहाँ आजाद कहते हैं हाँ। अगर आजाद ना होते तो हम आजाद, आजाद ना, ना होते, होते क्या बात? बात अगर आजाद आजाद ना होते तो वाह नितेश निश्चित है युवा समय का कार्यक्रम चल रहा है और युवा साथी सुन रहे होंगे मैं युवाओं से जुड़ी कुछ पंक्तियां यहाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि क्या घटनाएं घटती है इस जीवन काल में बहुत मशहूर होते हैं कुछ किस्से जवानी के आए आए। बहुत मशहूर होते, होते हैं है। कुछ किस्से जवानी, जवानी के।, के सिखाते हैं हुनर हमको सदा ही जिंद के कहा किस मोड़ पर कब कौन कहा किस मोड़ पर कब कौन कैसे साथ आएगा हाँ। यहीं से पात्र तय होते हाँ। एक कहानी के यहीं से भाँ। पात्र तय होते एक बेहतर कहानी भाँ। के निश्चित बात है संघर्ष के दौर में जब आप होते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी विधा में तो उस समय संघर्ष के समय में मेरी पंक्तियां की मुस्कान के पीछे गम को कौन समझता है? हाँ। होठों की मुस्कान के पीछे गम को, को, को कौन समझता, समझता है हमसे बेहतर इस दुनिया में, हम में हमको कौन समझता है हमसे बेहतर इस दुनिया में हमको कौन समझता है युवाओं के साथ स्वाभिमान होता है और स्वाभिमान होना जरूरी भी है क्योंकि संघर्ष पथ में संकल्पित पथ में है तो मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं के बजूद को स्वयं के स्वाभिमान पर रखो हाँ। स्वयं के बजूद को स्वयं के स्वाभिमान पर रखो अर्जुन से एकाग्र रहो तीर कमान पर रखो हाँ। और मंजिल निश्चित ही मिल जाएगी बस पैर जमीन पर और निगाहें आसमान हाँ। पर रखो पैर जमीन पर और निगाहें आसमान पर रखो। अंतिम गजल आप सबको समर्पित करता हूं और आप सब जुड़ पाएंगे मेरी भावनाओं से क्योंकि जीवन में सब अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं कोई आईटी सेक्टर में कोई राजनीतिक क्षेत्र में है कोई के देश का किसान है जवान है अलग अलग सबके विधान है अलग अलग क्षेत्र हैं मैं वहीं से पंक्तियां उठाता हूं कि कभी धोखा भी मिलता है तो कभी साथ भी मिलता है उसी पर समर्पित है अपनी अपनी सतरंजों पे अपनी अपनी सतरंजों पे चलते चाल सयाने लोग अपनी अपनी शतरंजों पे चलते चाल, चाल सयाने लोग लो, अपनी अपनी शतरंजों पे चलते चाल, चाल सयाने लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं जाने और पहने लो, लो क्या बात है नितेश अक्सर धोखा दे, दे जाते हैं जाने और पहचान अच्छा तो किसको अपने दिल में रख लू किसको शक के घेरे में किसको अपने दिल में रख लू किसको शक के घेरे में किसको अपने दिल में रख लूं। किसको शक के घेरे में बदल बदल कर आ जाते हैं चेहरे वही पुराने, पुराने लोग बदल बदल कर आ जाते हैं चेहरे वही पुराने लो और करना क्या है ब्यूटी पार्लर से बाहर आना है हाँ कि दिल को समझो पर खो देखो चेहरे धोखा देते, देते हैं दिल को समझो पर खो देखो चेहरे धोखा देते हैं दिल को समझो पर खो देखो चेहरे धोखा देते हाँ। हैं कहता हूँ मैं अपना तजुर्बा हाँ। माने या ना माने, माने लोग वाह 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 भाई वा, 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 कहता वा। हूँ मैं अपना तजुर्बा माने या ना माने लोग और क्या होता है रिश्तों में हाँ। कि फूल से ज्यादा नरम यहाँ पर हाँ। फूल से ज्यादा नरम यहाँ पर जज्बातों के रिश्ते हैं फूल से ज्यादा नरम यहाँ पर जजबातों के रिश्ते हैं लगा लगा कर बैठे हैं, सड़कों पर नई दुकाने आ, लो। हा, हा, लगा लगा हा, कर हा, हा, बैठे हैं, हा, 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 सड़कों पर नई दुकानें लोग और इस गजल की अंतिम पंक्तियां है कि अगर आप सच के साथ में चल रहे हैं आप संकल्प के साथ में चल रहे हैं तो निश्चित बात है जीत आपकी है सच का चेहरा इतना रोशन सच का चेहरा इतना रोशन जितना रोशन सूरज है सच का चेहरा इतना रोशन, है। है। इतना रोशन। जितना रोशन सूरज है नई सुबह के सूरज को हाँ? कैसे रोके मन माने लो आगा, 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 नई सुबह के सूरज न। को न। कैसे रोके मन माने न। लो न। अपनी अपनी सतरंजों पे चलते चाल सयाने लोग दे जाते हैं। जाने और पहचाने लो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले बहुत ही प्यारे मधुर गीतकार जिनका नाम होता है अनूप धामने जी मैं उन्हें मासूम गाजियाबादी जी की चार पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि वो भी आए और हम सबको अपनी कविताओं से सराबोर करें वो लिखते हैं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें हाँ तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है डुबा देता है कोई तो नाम तक भी खानदानों के किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है अनूप धामने जी सादा रामा दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और आप देख रहे हैं युवा समय चार पंक्तियां सबसे पहले यहां पर ये यह जो पूरी लिस्ट पूरी टीम आप जो देख रहे हैं इस टीम को बुलाने का जो काम किया है दूरदर्शन ने उनके लिए और हमारी तरफ से भी कुछ पंक्तियां आपके लिए के साज मोहब्बत का बजाना पड़ा मुझे सुनिएगा ये साज मोहब्बत का बजाना पड़ा मुझे गीत तेरे साथ में गाना पड़ा मुझे मसरूफ था मैं आज बड़ा क्या करूं मगर मसरूफ था मैं आज बड़ा क्या करूं मगर जो प्यार से बुलाया तो आना पड़ा मुझे जो प्यार से बुलाया तो आना पड़ा मुझे आना पड़ा मुझे और जैसे मेरे भाई लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे बहन अंजू ने जैसे पढ़ा युवाओं को समर्पित करता हूँ चार पंक्तियाँ स्वामी विवेकानंद का नाम हम सभी ने सुना है और हमारे देश की हर मातृशक्ति हर माता ये चाहती है कि उनका पुत्र उनके जैसा वैभववान हो उनके जैसा संस्कारवान हो चार पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि लिपट लिपट कर यार स्वरों में छंद बनेंगे हम सुनिएगा सुबह के लिपट लिपट कर यार स्वरों में छंद बनेंगे हम आ, मन से मन को जोड़े वो अनुबंध बनेंगे हम मन से मन को जोड़े वो अनुबंध बनेंगे हम पूरा उनसा होना संभव भले नहीं यारो पूरा उनसा होना संभव भले नहीं यारो थोड़े 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 यार विवेकानंद बनेंगे हम थोड़े थोड़े यार विवेकानंद बनेंगे हम और धन्यवाद और पंक्तियां सुनिए कि क्या लिखा कैसे लिखा किन हालातों में लिखा कि कभी बुलाता हमारा देश मूलतः गांव में बसने वाला देश है तब ये पंक्तियां पढ़ता हूं बड़े शहरों में आ जाकर बड़ी नौकरियां करके बड़ी गाड़ियां बंगले तो हमने बना लिए लेकिन फिर भी क्या मिसिंग है सुनिएगा कि कभी बुलाता धूप धूप और छांव बुलाता है कभी बुलाता धूप धूप और छाँव बुलाता है बचपन मुझको मेरा नंगे पाँव बुलाता है मोबाइल वीडियो कॉलिंग को नहीं समझता है मोबाइल वीडियो कॉलिंग को नहीं समझता है मुझको याद करे हर दम मेरा गाँव बुलाता है मुझको याद करे हर दम मेरा गाँव बुलाता है बहुत धन्यवाद बहुत आभार बहुत अच्छा भैया और एक और मुक्तक पढ़ता हूँ उसके बाद एक छोटे से गीत से जहां मैं जिस के इर्द गिर्द काव्य पाठ कर रहा हूँ उसी के इर्द गिर्द रहूंगा सुनिएगा कि जब से फोन चले हैं भैया तार नहीं आते आ -खाँ, आ -खाँ, क्या खोया है हमने इस टेक्नोलॉजी तो के साथ सुनिएगा कि जब से फोन चले है भैया तार नहीं आते पीतल चांदी वाले अब तो हार नहीं आते पीतल चांदी वाले अब तो हार नहीं आते घर से दूर हुए हैं जब, थाधा। है जब से पैसे चार कमाने को घर से दूर हुए हैं जब से पैसे चार कमाने को माँ कहती है गाँव में त्योहार नहीं आते माँ कहती है गाँव में त्योहार नहीं आते माँ कहती है गाँव में त्योहार नहीं, नहीं आते और एक छोटा सा गीत इस क्रांति टेलीग्राम जो टेलीविजन की क्रांति इस क्रांति के साथ आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मोबाइल्स गैजेट्स और जितने भी तमाम चीजें हमारे साथ आज है टेक्नोलॉजी के युग में इसने हमसे क्या छीना है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ क्या क्या मिला है ये तो आप जानते ही है कि क्या होता था उस जमाने में जब चिट्ठी खत पत्र आते थे सुनिएगा यादें कुछ नमकीन कभी कुछ मीठी आती थी यादें सुनिएगा पंकज भाई नीतिश सुनो कि यादें कुछ नमकीन कभी कुछ मीठी आती थी यार जमाना क्या था वो जब चिट्ठी आती ए, थी यार जमाना क्या था वो जब चिट्ठी आती थी चिट्ठी आती थी और क्या होता था उस चिट्ठी में देखिएगा कि बाबूजी के दर्श उसी में बाबू जी के दर्श उसी में और चरण स्पर्श उसी में बाबू जी ए, के दर्श उसी में और, और चरण स्पर्श उसी में थोड़ी चिंता कुशल क्षेम है और विचार विमर्श उसी, उसी में और विचार विमर्श उसी में और विचार विमर्श उसी में और विचार विमर्श उसी में दादाजी आदर्श उसी में प्रति नव वर्ष उसी में कठिन समय में कैसे रहना लिखा है निष्कर्ष उसी में, है ने 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 दोड़िए। उसी दोड़िए। में लिखा है निष्कर्ष उसी में लिखा है निष्कर्ष उसी में खबरों में आंगन छप्पर और खबरों में आंगन छप्पर और मिट्टी आती थी खबरों में आंगन छप्पर और मिट्टी आती थी यार जमाना क्या था वो जब चिट्ठी आती थी चिट्ठी आती थी और क्या रहता था साहब सुनिए जब लोग गांव से दूर कहीं पर कमाने के लिए जाते थे तब केवल संचार का एक ही माध्यम था चिट्ठी क्या होता था नन्हे की किलकारी उसमें नन्हे की किलकारी उसमें बगिया और फुलवारी उसमें बेटी गुड़िया मांगे बेटा मांगे है पिचकारी उसमें मांगे है पिचकारी उसमें सूखे ने थी फसल उजाड़ी दिखती थी लाचारी उसमें सूखे ने थी फसल उजाड़ी दिखती थी लाचारी उसमें माँ उस दिन क्या पका रही थी लिखती थी तरकारी थी। उसमें माँ उस दिन क्या पका रही थी लिखती थी तरकारी उसमें मन के घाव को भरने मरहम मन के घाव को भरने मरहम पट्टी आती थी मन के घाव को भरने मरहम पट्टी आती थी यार जमाना क्या था वो जब चिट्ठी आती थी चिट्ठी और एक बंद देखिए क्या था आज रात को 12 बजे व्हाट्सएप पर चैटिंग होती रहती है रात को एक बजे WhatsApp पर चैटिंग होती रहती है लेकिन उस जमाने में क्या हुआ करता था सुनिएगा एक गुलाबी चिट्ठी मोहक मोहक लिए होती एक गुलाबी चिट्ठी मोहक मोहक गंध लिए होती मन से मन को जोड़ रखे जो वो अनुबंध लिए होती सावन के झूलों पे जो की बातें चंद लिए होती सावन के झूलों पे जो की बातें चंद लिए होती एक दूजे संग मरना जीना ये सौगंध लिए होती एक दूजे संग मरना जीना ये सौगंध लिए होती बातें कुछ खारी खारी सी बातें कुछ खारी खारी कुछ खट्टी आती थी बातें कुछ खारी खारी कुछ खट्टी आती थी यार जमाना क्या था वो जब चिट्ठी आती थी चिट्ठी आती थी, थी।, थी और गीत का अंतिम बंद देखिए युवा समय के दर्शकों को सौंपता हूं क्या खोया है हमने पगडंडी पन घट और देहरी दिखती थी चौपाल मुझे क्या दिखाई देता था गीत में पगडंडी पन घट और देहरी दिखती थी चौपाल मुझे कुएं नदिया नहरे दिखती दिखता था और ताल मुझे अब मुझको कुछ नहीं सुहाता भाता है भोपाल मुझे अब मुझको कुछ नहीं सुहाता भाता है भोपाल मुझे डाकिया लेकर कब आया खत याद नहीं वो साल मुझे डाकिया सा, लेकर कब आया खत याद नहीं वो साल मुझे उलझन बढ़ती डाक घरों में ए -ए। उलझन बढ़ती डाक घरों में छुट्टी आती आये थी उलझन बढ़ती डाक घरों में छुट्टी आती थी यार जमाना क्या था वो जब चिट्ठी आती थी चिट्ठी आती थी चिट्ठी आती थी बहुत धन्यवाद बहुत आभार युवा समय के कार्यक्रम के साथ आप इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहिए क्योंकि युवाओं के लिए एक ऐसा मंच जिसमें आपकी अप्रतिम विलक्षण प्रतिभा को निखारने का मौका देने वाला यह कार्यक्रम है युवा समय यदि आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी विलक्षण प्रतिभा है जिसे आप दुनिया के सामने टेलीविजन के माध्यम से लाना चाहते हैं दूरदर्शन के माध्यम से लाना चाहते हैं तो हमें लिखिए हमसे मिलिए हमारा पता है कार्यक्रम युवा समय द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल पिन कोड है चार छ दो शून्य एक तीन हम लेते हैं इजाजत अगले कार्यक्रम में इसी समय आपसे पुनः मुलाकात होगी धन्यवाद